जाएंगे। खत्म करिए इस नॉनसेंस को, राष्ट्रीयता और यहां पर राष्ट्र का पाठ हमें ये चिंटू नफरती बिल्कुल ना पढ़ाए। ये राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं भंवरलाल जैन। आप राष्ट्र माने तो पहले आपके चिंटू ने जाकर बोला है, ये चाइना ने कैसे दूसरा पुल बना लिया। राष्ट्रवाद पे ज्ञान दे रही है, आपके चिंटू ने वहां पर जाकर कहा है ये राष्ट्र ही नहीं है। तो आपके चिंटू को समझाइए कि राष्ट्रवाद पर जब भाजपा को बोलना है तो पहले राष्ट्र को माने। मैडम आप अपने चिंटू को जरूर समझाइए कि राष्ट्र तो माने, हम यही तो चाहते हैं। फिर आप करिए बहस कि किसका राष्ट्रवाद बेहतर है। चीन को सबसे बड़ा राष्ट्र तो माने चिंटू आपके, ये आपके चिंटू वहां पर जाकर क्या कह रहे हैं? मुझे राष्ट्रीयता का पाठ नहीं, आपके चिंटू वहां पर क्यों कह रहे हैं राष्ट्र नहीं है? चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना के घूम रहे हो। अरे एमओयू, अच्छा चलिए एमओयू दिखा दीजिए, आप एमओयू दिखा दीजिए क्या है उसमें, हमें बताइए आज, दिखा दीजिए। मैं एक फैक्ट बता देती हूँ अमन जी, आपकी जानकारी के लिए एक फैक्ट आपके दर्शकों के सामने रखना जरूरी है, इसका जवाब हो भारतीय जनता पार्टी के पास तो दे दे। 2 साल से चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना, हम ऐप बैन करते रहे और अच्छा। हमारा और चीन का ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा है जो हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा है। अच्छा। मतलब हम चीन की सेना को पैसा देके अतिक्रमण करा रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है हमारा अच्छा, आरजीएफ में किसका पैसा लिया है जरा बताना, और वो कार्तिक चिदंबरम किसका पैसा लेकर चीनी वीजा करवा रहे थे वो भी बताना, वो भी जरा बता देना। कब दिया था धूमचली, कब दिया था 600 बार कब हुआ था, अक्साई चीन, वो अक्साई चीन किसने दिया था जरा, वो चिंटू से पूछ जाइए, अक्साई चीन किसने दिया, वो वापस क्यों नहीं आया? आप बताइए ना, अक्साई चीन वापस क्यों नहीं आया? आपने अक्साई चीन वापस लेने का काम किया 60 वर्ष आपके पास थे, आप खदेड़ देते ना चाइना को बाहर और अक्साई चीन ले आते मेरा खून खोलता है। राहुल भट्ट की हत्या हो जाती है। अरे मैडम अपने राहुल के बारे में बात कर लो ना जरा, आप कहां कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को नकार रही थी, आज कश्मीर कश्मीर पर जाएंगे बाबू, आज कश्मीर नहीं, कश्मीर नहीं, राष्ट्र किंगडम कश्मीर नहीं जाएंगे, राष्ट्र किंगडम है क्या? नहीं नहीं, वैसे तो एक मिनट, मतलब एक चीज है बस, सुप्रिया जी जो भी आपने बोला आपके राजनीतिक आरोप है, लेकिन चीन कहीं नहीं घुसा है, चीन कितनी हैसियत की हमारी सेना बैठी है, हड्डियां तोड़ दी हमने गलवान में, नहीं घुसा है चीन में, इनकी बदौलत इतनी हिम्मत नहीं है चीन की, गलवान में गर्दन की हड्डियां तोड़ दी, इतनी हैसियत नहीं, औकात नहीं, हमारी सेना बैठी है, सेना पर भरोसा है, आपके राजनीतिक आरोप अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कैसे बनाया, कैसे बना दिया भाई, चलिए शहजाद 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 फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी और अमित जी कैसे बना दिया भाई, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया, कहते हैं चीन दुश्मन है, आपको सारी चीजें बता, चीन चीन ट्रेडिंग पार्टनर भाई, अरे क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं, चलिए सुन लीजिए ना शहजाद, शहजाद शहजाद बोलिए आप शहजाद, अरे वो बोलती रहेंगी, इनका आउटगोइंग ही है, इनकमिंग बैंड रखा है, ये देखिए इनकमिंग बंद ही नहीं होता, इनकमिंग ही नहीं है इनमें, आउटगोइंग ही है फ्री, अरे भाई मुझे इतना बताइए, चलिए बोलिए शहजाद, शहजाद जब ये लगातार बोल रहे थे, लगातार बोली जा रही है मैडम, दर्शक थे, अब मैं चुपचाप क्यों बैठूं, मुझे जरा ये समझाइए आप, बोलिए बोलते रहिए, जितना आप बोलती है उतना आपके 3-4% वोट कम होते हैं, आप बोलते रहिए जी, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए मैडम, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्रोनोलॉजी समझिए पहले, अरे सुनिए ना, ये है आपकी ना महंगाई पे बोल पाएंगे ना बेरोजगारी मैडम, आप इसीलिए देखिए ऐसा है, ऐसी एंकरिंग से अच्छा है आपने राजनीति ज्वाइन कर ली, मैं तो आपको कहता हूँ कि अच्छा है आपने एंकरिंग छोड़ दी, आपने राजनीति पकड़ ली, क्योंकि राजनीति में ऐसे भाषण चलते हैं, एंकरिंग में तो ऐसा नहीं चलता था, चलिए अच्छी बात है आपने एंकरिंग छोड़ के अपनी जो कार्य क्षमता है उसके हिसाब से आपने प्रोफेशन चूज किया, अच्छी बात है, सुन लीजिए, चीन पर तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा, बकर बकर में खुलेगा, लोगों को पता तो चले राहुल भट्ट पे मुंह नहीं खुलेगा, लोगों को पता तो चले कि चीन को इतना धंधा मोदी सरकार क्यों दे रही है, पता तो चले, इसका जवाब है तो जवाब, चंदा ले आप और धंधे की बात करें, आप चंदा ले आप, आरजीएफ में चंदा क्यों लिया चाइना का, और उसके बाद जैसे लिया 33 गुना ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ाया चाइना का, बताइए ना आप, बताइए क्यों आरसेप में जाने की इतनी होड़ मची थी, बताइए जब सरकार नहीं, जब सरकार उस समय पर क्यों आरसेप ज्वाइन करना चाह रही थी, बताइए अब, बताइए नहीं आप बताइए तो बताओ, बहस हो, बहस करने की तुम्हारी ना औकात है ना, औकात देखिए औकात पे आ गए, यही तो इनकी खासियत है, हर व्यक्ति को औकात के हिसाब से ही देखते हैं, यही तो इनकी समस्या है, यही तो इनकी समस्या है, ये औकात के हिसाब से ही, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप दोनों थोड़ी ना, बाकी भी डिबेट में हर्षवर्धन त्रिपाठी भी यानी जमाई भी है, ऐसा है, शहजादा बोलिए, मैं फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जाऊंगा, शहजाद शहजाद असली पता नहीं किसकी कौन सी, हो गया सुप्रिया जी, सुप्रिया जी
शहजादा बोलिए, आप बोलिए शहजाद, ऑडियो प्लीज शहजाद, शहजाद शहजाद प्लीज शहजाद जल्दी से देखिए। नहीं 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 नहीं, बोलिए बोलिए शहजाद, कोई माइक डाउन नहीं है, कोई माइक डाउन नहीं है, सुप्रिया जी शो देख लीजिएगा बाद में। शहजाद बोलिए ना, शहजाद बोलिए, शहजाद चीन को ट्रेडिंग पार्टनर बना, फिर मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, या तो आप बोलिए, मैं रनिंग कमेंट्री बंद नहीं कर सकता ना, पर मेरा पूरा समय शुरुआत में कमेंट्री के साथ। चलिए अब बोलिए शहजाद, बोलिए ना शहजाद, अब राहुल गांधी के लॉजिक को अगर आगे ले जाए तो ये कहेंगे देखिए, अगर राहुल गांधी की माने तो ये किताब नहीं, ये यूनियन ऑफ पेजेस हो गया, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये यूनियन ऑफ लीडर्स हो गया, जिसमें से एक यूनियन ऑफ लीडर में से एक लीडर इनके पास आ गया। अगर राहुल गांधी की माने तो ये यूनियन ऑफ फिंगर्स हो गया, हैंड नहीं है। मैं फिर से सुप्रिया जी आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी सही है जब वो कहते हैं नेशन नहीं है, या दादी माँ सही है जब उन्होंने कहा नेशन? पॉलिटिकल समझ पे मुझे दयनीयता आती है, दयनीय है आपकी स्थिति, दयनीय है मैं जानता हूँ, पर सवाल यह है कि क्या ये राष्ट्र मानती है कि नहीं मानती है? बोल नहीं सकते हैं मैम, राहुल भट्ट पर बात हो जाएगी, किसने मारा राहुल भट्ट को? इस्लामिक आतंकवादियों ने बढ़ा देते हैं उसके लिए। अब बोलिए पहले, बोलिए इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा, नहीं बोलेगा कोई? लिखा चल चढ़ी मैं आगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी और अमीक जमाई, हर्षवर्धन त्रिपाठी और अमीक जमाई, हर्षवर्धन त्रिपाठी फिर से उसी सवाल के साथ आ रहा हूँ। इसके पीछे भी क्या तुष्टिकरण की नीति है क्या, कि बताओ राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार ना करना, क्या ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है क्या, क्या तुष्टिकरण है क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी देखिए, इस देश में अगर संस्थाओं को लेकर कौन मुंह खोल रहा है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीधे सीधे संस्थाओं को ध्वस्त करने की कोशिश की गई तो कब कब की गई? इस देश ने आपातकाल भी देखा है, इस देश ने यह भी देखा है कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद एक नीति आती है तुष्टिकरण की और सब पलट दिया जाता है। इस देश ने यह भी देखा है कि कैसे एक विशेष परिवार के लिए, विशेष लोगों के लिए अलग जगह पर अलग अलग कानून बना दिए जाते हैं। और क्या ये होगा कि कांग्रेस पार्टी देश की स्वतंत्रता में शामिल रही, उसमें लाल बाल पाल से लेकर बड़े बड़े नेताओं की हिस्सेदारी रही, तो क्या आज राहुल गांधी कहेंगे कि नहीं उन्होंने जो लड़ के देश बनाया था हम सबको बिगाड़ देंगे? क्या ये अधिकार मिल सकता है क्या? ये किसी को राष्ट्रवाद सिखाने की जरूरत है क्या? ये किसी पार्टी का नहीं है, कोई भाजपा कांग्रेस की किसी की है, समाजवादी से बोल रहे हैं कम नहीं कर सकता। अभी अभी आए हैं राज्यसभा, बोलिए अमित, 20 सेकंड वाइंड अप। समाजवादी पार्टी बहुत ही साफ कह देना चाहती है, जो लोग पूरे देश को एक रंग में रंगने का सपना देखना चाहते हैं वो जरा ख्वाब दिन में देखना छोड़ते हैं। दूसरी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आए और वो ये कहें कि इस देश की अधिनायकवाद सरकार क्या कर रही है, जब मोदी जी, नहीं मोदी जी अमेरिका में लंदन में पीआर करते थे। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी, घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त, 100 बात की 1 बात का। आज हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन युद्ध में पुतिन के वफादार रमजान कादिरव किससे डर गए। व्लादिमीर पुतिन ने